भास्कर, राइट? हाँ, और आप? मैं वही हूँ जिससे आप मिलने आए। लव गुरु, तुम ही हो साक्षात लव गुरु। तो ये आपका पहला प्यार? मेरा पहला प्यार, ये मेरे पूरे खानदान का पहला प्यार है। इससे पहले मेरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने भी इस लेवल पे आकर मोहब्बत नहीं की। बताइए, किस किस्म की लड़की चाहते हैं आप? वही जो शक्ल से खूबसूरत हो, दिमाग से इंटेलिजेंट हो और दिल की अच्छी हो। इस महंगाई के जमाने में 3-3 लड़कियां कैसे अफोर्ड कर सकेंगे आप? बताइए। नहीं, ये 3-3 नहीं है, ये 3-in-1 है। जिसने जीता मेरा मन है, दिल की खरी है, ये वो परी है। काफी हरी भरी है। टेंशन मत लीजिए, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओ प्रेम भाई, मेरे तो निकल पड़ी। हरियाली हरियाली, कमाल के आदमी हो प्रेम भाई। प्रिया, सुना तुमने? ओए हेलो, ये क्या कर रहा है तू भास्कर? प्यार किसी को और किस किसी को? क्या किसी को क्या किया? उसी को तो किया जिसका बनने वाला हूं मैं, पिया। यही तो है प्रिया। शी इज द लकी वन। ओए हीरो, पता ये कौन है? प्रिया जयसिंह, राज जयसिंह की बेटी, 1000 करोड़ की मालकिन। अबे तुझसे तो क्या, ये मुझसे नहीं पटेगी। फॉरगेट अबाउट इट, नो चांस, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। प्रेम भाई, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, इस किस्म के कोई शब्द ही नहीं है आपके डिक्शनरी में, ऐसा मैंने सुना था। कह दो कि ये झूठ है। यही सच है भास्कर। भास्कर दिवाकर चौधरी। हाँ वही। देख, एक बार मैं बुश और ओसामा की दोस्ती करा सकता हूँ, लेकिन तेरा इसके साथ नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल है। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन प्रेम भाई, मेरी बात प्रिया। लेकिन प्रेम भाई, बुश, ओसामा, कहाँ वो इंटरनेशनल मैटर? ये कहाँ छोटी सी लव स्टोरी? ये कौन सी बात किधर जा रही है? प्रेम भाई, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। आइए आज के हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट मिस प्रिया जयसिंह से पूछते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल। अम्मा, प्रिया मैम साहब, वेलकम बैक टू द शो मिस प्रिया। सो मिस प्रिया, आपके चाहने वाले के बारे में कुछ बताइए। वेल, मेरा चाहने वाला, नॉट फाउंड हिम येट। वैसे भी अच्छे लड़के आजकल देखने को कहाँ मिलते हैं? क्या बात करती हो प्रिया जी, रोज तो मिलता हूँ ऑफिस के अंदर 9 to 5, कितनी बार ओवर टाइम भी किया है। One thing is sure, मेरा चाहने वाला कोई हाई प्रोफाइल या बिग शॉट हो ना हो, सिंपल एंड साउंड जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। Who knows, शायद मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर इस वक्त कहीं मुझे देख रहा हो, कहीं टीवी के आगे मेरे सामने खड़ा हो। तो सामने ही तो खड़ा हूँ मैं। अबे हमें भी देखने दे, क्या हॉट चीज है यार। कौन बोला? ए कौन बोला? क्या बोला तू? किसको हॉट बोल रहा है? ये कॉफी को हॉट बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, लड़की को। क्या आइटम है यार। हेलो, ऐसा डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करने का प्रिया जी के बारे में। ए खिलाड़ी कहां से आ गए? आप बैठिए। ए चैनल क्यों चेंज कर रहे हैं? चैनल क्यों चेंज? अरे इंडिया का बैटिंग चल रहा है यार, सहवाग का सेंचुरी बाकी है। अरे सहवाग के सर पर तो उसकी मां का आशीर्वाद है, मेरी जिंदगी तो अभी तक बर्बाद है। तेरे को मैच की पड़ी हुई है, मेरे को मैच मेकिंग करने वाला नहीं मिल रहा है। लव गुरु, लव गुरु, मुझे प्रिया से मिला दे। तू किधर है? मैं अब भी आ रहा। अरे मेरा बिल तो देके जा। ये क्या है? कौन सा बिल है तेरा? बिल? हाँ? क्या बिल? क्या पैसा? क्या होता है? हाँ? क्या होता है? अरे छुट्टा तो ले जा। तू इज्जत से बैठ, मैं तेरे को माने। ए तमीज से चलो। प्रेम भाई, प्रेम भाई, वेयर आर यू? पापा जी। हाँ जी प्राजी। पापा जी, आप किसी प्रेम को जानते हो? प्रेम भाई? मैं तो प्रेम लुधियाने वाले को जानता हूँ, या प्रेम पटियाले वाले को जानता हूँ। नहीं, प्रेम मुंबई वाला है। अच्छा, इनका नाम लव गुरु है। आप लव गुरु को जानते हो? ओ नहीं जी, मैं सिर्फ वाहे गुरु जी को जानता हूँ। ओहो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाह, स्वाद आ गया। वाहे गुरु जी का नाम आ गया, अब तो प्रेम भाई भी मिल जाएंगे और फतेह भी हो जाएगी। तेरी को अच्छी दोस्त नहीं है क्या? है, शादी करेगा? कोई चांस नहीं। प्रेम भाई एंड फैमिली? मेरे भाई शादी कब करेगा? जिस दिन तू निकी की शादी करा देगी ना, उसके 3-4 साल बाद कर लूंगा मैं। तू हमेशा टालता क्यों रहता है? तुझे अंदर से आवाज नहीं आती है? प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई। अंदर से तो नहीं, मुझे फिलहाल कहीं बाहर से आवाज। ओए तेरी की ये साला ब्लडी प्रेम। अरे बेटा, इसका नाम भास्कर है। ब्लडी भास्कर मतलब के खूनी भास्कर। बात करते करते जान ले लेता है। प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई मिल गया। हेलो भाभी, कितनी प्यारी प्यारी फैमिली है। ये मेरी बहन है। ओह, और ये दो इसके बच्चे हैं। ओह सॉरी दीदी। He's so cute like a teddy bear. वेलकम टू सुकेत। आले कितने प्याले प्याले बच्चे, टेढ़े मेढ़े दांत वाले शोशी। तुझसे कहा था मेरा पीछा नहीं करना, तू यहाँ फुकेत में क्या कर रहा है? मैं फोकट में नहीं आया हूँ, मैं टिकट लेकर आया हूँ, वीजा ऑन अराइवल। क्यों मेरी छुट्टियाँ बर्बाद कर रहा है? मैं तो क्या, अगर भगवान भी कोशिश करे तो वो भी तेरे लिए प्रिया को पटाखे नहीं दे सकता। लेकिन प्रेम भाई मैं इतना बड़ा पोपट नहीं हूँ। लेकिन दीदी दीदी को इन्वॉल्व मत कर इसमें। प्लीज दीदी, दीदी आप एक बात बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी तो अरेंज मैरिज हुई थी के लव मैरिज? ऑफ कोर्स लव मैरिज हुई थी, प्रेम भैया ने तो मेरा कन्यादान किया था। देखा प्रेम भाई, अपने घर में तो प्यार का दिया जला दिया और मेरे इश्क की बातें के साथ खेले जा रहे हो। क्यों खेल रहे हो इतना? इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि अगर प्रिया मर्सिडीज है तो तू मारुति, अगर प्रिया बोइंग है तो तू बैलगाड़ी, अगर प्रिया कोहिनूर का हीरा है तो तू कोहिनूर का बासमती चावल, अगर प्रिया काबिल है तो तू काबुली चना है। ये रही तेरी इंडिया जाने की बस, विंडो सीट पकड़ ले और निकल ले। बैंड मत बजाओ, बैंड मत बजाओ, बैंड मत बजाओ, अपने रास्ते जाओ। इसके बहन के भाई को ब्रदर बोलो। अदरक वाली चाय। थैंक यू। दीदी ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे हस्बैंड है। हाँ? 3 साल पहले। बस समझ गया, कुछ मत बोलिए और मैं सुन नहीं सकता। ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं हो सकता। अरे और ना कभी हो रहा। नहीं नहीं वो अरे क्या नहीं रही यार, वो इतनी कुर्बानी हमारे घर से नहीं लेगा। मेरी बात तो सुन। अबे कुछ नहीं होगा गलत, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात अरे क्या नहीं रही यार, पहाड़ जैसा क्या नहीं रही। भास्कर चुप कर, मेरी बात तो सुन। नहीं क्या हुआ था? क्या बीमारी क्या थी उसको? नहीं नहीं वो अबे चुप, बीमारी तुझे पूरी बात नहीं सुनने की। क्यों क्या हुआ? जीजा जी अमेरिका में नासा में साइंटिस्ट हैं, हट्टे कट्टे हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हैं, यानी कि जिंदा हैं, 2 बच्चों के बाप और शादीशुदा हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि जिसकी आंखों में इतनी लाइट हो उसका बल्ब फ्यूज हो ही नहीं सकता है। जीजा जी की लंबी उम्र हो ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ओके दीदी वो तो लग जाएगी भैया, फिलहाल मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने प्रेम भाई की फेवरेट डिश बनाई है, चिकन तंदूरी। ओह मुर्गी तंदूरी। हाँ। अरे मैं तो नॉनो खा जाता हूँ। हाँ।, हाँ और जब दोनों की पसंद है मुर्गी तंदूरी तो फिर क्यों रहे मन में दूरी। गरम गरम दाल तैयार है। खाना डील फ्रॉम मक्खन इधर करेंगे। मैं आजकल थोड़ा डाइटिंग कर रहा हूँ ना। ये लो डाइटिंग कर रहे मक्खन के साथ। इतिहास में पिछली बार यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया लाल को जैसे मक्खन खिलाया था ना, ऐसा मक्खन मुझे आप लोग क्या खाने मिल रहा है। सुन ये मेरी बहन है, कोई ब्रेड का टुकड़ा नहीं है जिसे तुम मक्खन मारे ही जा रहा है। ओ यार ये क्या, ये कहाँ से आवाज निकली? अब अधिकार और प्यार पर किसी का अधिकार तो है नहीं, वो तो बस निकल ही आता है। हाँ दीदी की बच्चों। ओ डूड शट अप, ईट योर फूड एंड गो और किल यू बड़ी भास्कर। अरे किल यू फॉर व्हाट? अभी 4 दिन तक कोई फ्लाइट भी नहीं है, बंदा कहाँ किधर किधर फ्लाई करेगा? 4 दिन की बात चल जाना। इट्स ओके इट्स ओके। तो देख सुन ले खराटे किंग, ना तू मेरे साथ सो सकता है ना मैं तुझे इसके साथ सोने। डोंट वरी भास्कर मामा, हमारे कमरे में सोएंगे। देखा बच्चों का दिल तुम्हारे कमरे से बड़ा है। कुछ सीखो लव गुरु, कुछ सीखो। अभी तुम्हारे पति को फोन करता हूँ और बोलता हूँ उससे कि तुम्हारे फैमिली में एक गैर आदमी आके घुस गया है। तो कैसी बात कर रहा है? उनसे बोल दीजिएगा मैं आपके भाइयों की तरह हूँ, बल्कि ऐसा भाई हूँ जो भाइयों से बढ़कर हूँ। डोंट वरी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सर, व्हो इज द पर्सन हु डाइड इन द बस एक्सीडेंट? वो 15 नंबर सीट का कोई पैसेंजर था, भास्कर नाम था उसका। Bhaskar, shit man Bhaskar, Bhaskar मुझे माफ कर दे यार, ये क्या हो गया? मैंने तुझे प्यार छोड़ने के लिए कहा था और तूने दुनिया ही छोड़ दी। पता है कि प्यार करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन तू बस में ही बैठ के निकल गया और हम सबको बेबस कर गया। पगले, कम से कम एक तो मौका दिया होता, मिलवाता तुझे प्रिया से तो आज के दौर का वो मजनू है जो लैला लैला करते करते अपना मेला थैला मेरे पास छोड़कर चला गया। लेकिन भास्कर तू मरा नहीं है, क्योंकि भास्कर कभी मरते नहीं है। God bless you stupid भास्कर, लेकिन कुछ तो बोल। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अचानक से उठेगा, मेरे गले लग जाएगा और मुझे माफ कर देगा। माफ कर दिया। भास्कर you're alive? भास्कर you're alive? Bhaskar, you're alive? Yes, Bhaskar is alive, hale and hearty. Shit, man. ये कैसे हुआ? ये सब भाई साहब की कृपा है। Who is this? ये कौन है? ये अंकल जॉन है। Oh. जब मैं बस में बैठा तो मुझे वो कहने लगे, बेटा क्या मैं तुम्हारी सीट पे बैठ सकता हूँ? मैं खिड़की से वादियाँ देखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं, बैठिए ना, यहाँ पर तो बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ हैं, कम से कम आप ही वादियाँ देख लीजिए। बेचारे वादियाँ देखते देखते वादियों में खो गए और मैं एक बढ़िया से हॉस्पिटल में आ गया। वाडिया हॉस्पिटल नाम है इसका। yes. है ना किस्मत की बात। तेरी किस्मत और मेरी बदकिस्मती ना प्रेम ना। मैंने अपने कानों से सुना है कितना चाहते हो तुम मुझे, जहाँ कर दिया तुझे माफ, तेरा दिल है साफ, कितनी फिक्र है। I'm touched. Don't touch me. Don't touch me. तेरा मरना कैंसिल तो मेरी कसम भी कैंसिल। ए प्रेम भाई, अभी तो इतनी प्रेम भरी बातें कर रहे थे आप मेरे साथ। देखो प्रेम भाई, मैं अपने बॉस से पीछे छोड़ा के आया हूँ, अब मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा? क्योंकि आप ही वो फरिश्ता हो जो मेरा रिश्ता प्रिया के साथ जोड़ सकते हो। oh. जब प्रिया मुझे बेटा देगी तो मैं उसका नाम प्रेम रखूंगा। अपने घर में आपका फोटो फ्रेम रखूंगा। really, बोलो ना प्रेम भाई, आप मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। प्रेम भाई मुझे आपके साथ मिलकर संगे संगे नहीं 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 कर सकता। प्रेम भाई आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं करूंगा। प्रेम भाई आप मेरे पार्टनर बनोगे नहीं। प्रेम भाई आप मेरी मदद करोगे। प्रेम भाई आप मेरी मदद। ये वही जॉन अंकल थे? थे नहीं, ये तो है।